तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। कुमार विश्वास ने अपने ही अंदाज में सीएम केजरीवाल को लपेटे में लिया है। तंज कसने की वजह है केजरीवाल के बेंगलुरु महाबैठक में शामिल होना। दरअसल इस मीटिंग में केजरीवाल की मौजूदगी को लेकर लोगों का कहना है कि राजनीति में आने से पहले आंदोलनों में और अपनी राजनीतिक शुरुआत के दौरान अरविंद केजरीवाल जिन दलों और नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते थे उन्हें भ्रष्ट बताते थे, अब उन्हीं के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने अपनी तंज भरी कविता में लिखा कि तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ लड़े, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में, कुछ सफल हुए निर्वीय तुम्हें यह राजनीति समझाने में। इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। कविता में तर्क यह है कि जिनके खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज उन्हीं दलों के साथ वे गलबहियां कर रहे हैं। इस बैठक में सीएम केजरीवाल के शामिल होने पर लोगों ने कहा कि सियासत शुरू करने के दौरान केजरीवाल ने जिन पार्टियों और नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, यहाँ तक कि उन्हें सबसे भ्रष्ट बता डाला था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अब उन्हीं दलों का साथ देना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच दिल्ली में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर विवाद छिड़ा था। केजरीवाल ने तो अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन ना करने पर विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही थी। हालांकि बैठक से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वह अध्यादेश का विरोध करेगी, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे।